हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडोगीज। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? और एक हफ्ते के बाद आज ब्लॉग बनाने का मन किया, और इनफैक्ट मैं यहीं पास में जा रहा हूँ। आदिल स्वेल करके एक जगह है, आई थिंक यहाँ से 2-3 ट्रेन स्टेशन लगता है, तो वहाँ पे एक ज़ू पार्क है, तो अभी मैं वहीं जाऊँगा। तो ये ब्लॉग इसी के बारे में होने वाला है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहीं रहता हूँ मैं, ये रेलवे स्टेशन के पास। इसका नाम है, इस रेलवे स्टेशन का नाम है लाइमबाग, और ये ज़ूरिक का आउटस्कर्ट्स है। तो बट ये बहुत ही वेल कनेक्टेड है, लाइक यहाँ पे हर एक 20 मिनट में ट्रेन आती है। तो चलो फिर, ट्रेन आती है, ट्रेन लेके चलते हैं आदिलस्विल साइड। स्विस ट्रेन की बात ही कुछ और है यार, एक नंबर है। अभी मैं ऊपर वाले कंपार्टमेंट में बैठा हुआ हूँ, तो ज़्यादा दूर है नहीं यहाँ से, 3-4 किलोमीटर है यहाँ से। सो अभी मैं आपको अद्भुत दृश्य दिखाता हूँ। अभी ये स्प्रिंग वेदर है, और 1-1.5 महीने के बाद जब गर्मियाँ आती हैं, तो भाई ये पानी का रंग भी बहुत ही लाइक ब्लू हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है देखने में। ये जर्मन बोल रही है, ये कह रही है साउथ लाइमबाग। चलो, थोड़ी थोड़ी समझ में आने लग गई है जर्मन, बिकॉज मैं क्लासेस भी ले रहा हूँ, A1 लेवल हो भी चुका है, तो ये भी रीज़न है, पर ज़्यादा नहीं आता है। तो अब मैं ट्रेन से उतर गया हूँ, और ये एरिया आता है आदिलस्विल में, और इस स्टेशन का नाम है, एक सेकेंड पढ़ के बताता हूँ, ये है स्टेशन का नाम, वाइल्ड पार्क होफली। ये जर्मन नेम है भाई, यहाँ तो चलती है जर्मन लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो ये जो फुटप्रिंट्स बने हुए हैं, ये है रास्ता ज़ू में जाने के लिए। ज्यूरिख में चलती है जर्मन लैंग्वेज, और यहाँ पे यार एक चीज़ तो मैंने देखा है, बंदों के पास टाइम नहीं है, और यहाँ पे यार सब कुछ एकदम टाइमली है। ट्रेन भी इनकी लेट नहीं होती है। एक बार एक ट्रेन थोड़ी सी लेट हुई थी, तो मेरे को लगा लेट हुई, बट भाई पता है 2 मिनट ट्रेन लेट थी, इसके लिए भी अनाउंसमेंट कर रहा है बंदा। मैंने लगा भाई अनाउंसमेंट क्यों कर रहा है, बट कोई ना, अभी ज़ू की साइड चलते हैं। ऐसा लिखा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ज़ू ऑफ स्विट्ज़रलैंड, तो अभी वही जाके देखता हूँ। और ये देखो, ये है, यहाँ से एंट्री होगी, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ओके, खुल जा भाई। ऑलराइट, यहाँ देखो, यहाँ पे ये बताया गया कि कौन कौन से एनिमल हैं। तो वुल्फ है, वाइल्ड कैट है, और भी डिफरेंट तरह के यहाँ पे जानवर हैं। ये कुछ तो है यार, जर्मन में लिखा हो, बहुत बड़ा सा है, फुशलूहुयुन, आई डोंट नो कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ये तो पहली बार देख रहा हूँ ये नाम। फुह शोइने। और यहाँ से अब चलने की तैयारी है। स्विट्ज़रलैंड की एक अच्छी बात बोलो या एक ख़राब बात बोलो, भाई यहाँ सब कुछ पहाड़ पे ही है। अभी ये छोटी सी हाइक है, इनफैक्ट ये सारा ज़ू का ही हिस्सा है। स्विट्ज़रलैंड की एक बात बहुत आपको अच्छी लगेगी, कि जो बुढ़े बुढ़े भी हैं, जो बुज़ुर्ग लोग भी हैं, वो भी हाइक करने जाते हैं, बिकॉज हाइकिंग इज़ देयर नेशनल ऑब्सेशन। तो इन लोगों का भाई हाइक करना इन लोगों को इतना पसंद है, अपनी तो हालत ख़राब हो जाती है, बिकॉज दिल्ली में कौन जाता है हाइक करने यार। दिल्ली इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट मैं अब यूज़ टू हो रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ना, हाइकिंग करने जाना है, तो मैं किसी के साथ हूँ, तो ये हंसने लग गए, बोले इसको तो हाइक बोलता है। तो मैंने बोला भाई अपने लिए तो यही हाइक है। बट चलो, अच्छा है, ये सब एक्सपीरियंस ही लाइफ का होना चाहिए। इस एरिया में पीछे लिखा था कि यहाँ पे वोल्फ देखने को मिले, भेड़िया, तो अभी वही देखने का इसी रास्ते जा रहा हूँ देखने के लिए, बट दिख नहीं रहा यार। जैसे दिखता आपको दिखाता हूँ कैमरा के द्वारा। अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हो वहाँ पे वाइट कलर का जो है ना, वो सो रहा है वोल्फ। एक वहाँ है और एक उस साइड है, बट वहाँ पे कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा। सारा जो एरिया है जाल के उस साइड वाला, यहाँ पे भेड़िया रहता है। तो यहाँ से
आपको सही विजुअल्स दिख सकते थे, बट यहाँ पे भी है नहीं, वो उस साइड है जहाँ से मैंने आपको दिखाया। स्विट्ज़रलैंड की एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हर चीज़ का बहुत अच्छे तरह से इंतज़ाम करके रखा गया है। यहाँ पे वेल मेंटेन्ड आई वुड से, कि यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है और अदर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। बहुत सारे टूरिस्ट अभी यहाँ आते हैं, इवन इंक्लूडिंग यहाँ के जो बच्चे होते हैं, स्कूल के बच्चे, वो भी यहाँ पे आते हैं, लाइक अपना वेल टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस चीज़ को लेके मैंने बहुत अप्रिशिएट किया है स्विट्ज़रलैंड को, कि इसने हर एक छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है कि कैसे इसको अच्छे वे में बनाया जाए। ये रहा पिग, जो जंगली सुअर बोल सकते हो आप। ये देखो, ये देखो, अगर सामने दिख रहा हो, ये है जंगली बिल्ली। ये देखो, ये है भालू। ये बहुत ही क्लोज से मैं शॉट ले रहा हूँ। कितना बड़ा है यार, ये मांस का टुकड़ा खा रहा है। और ये जानवर को देखो आप, इसका नाम है स्टाइन बॉक। इसको इंग्लिश या हिंदी में क्या कहते हैं मेरे को पता नहीं है, बट जो भी है बड़ा सही है यार। ये एल्पाइन रीजन में पाया जाता है, यानी कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ये सब एल्पाइन रीजन में आता है। तो यहाँ पे ये काफ़ी स्टीप पे ये मतलब जा आ सकता है। तो ये इस तरह का जानवर है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हो। इस वाले सेक्शन में डियर है, आप देख सकते हो यहाँ पे वो घास खा रही है। ये देखो, ये देखो। और अब मैं दूसरे साइड जा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये रोड है, रोड के उस साइड वहाँ पे कुछ वो बड़ी गाय दिख रही है, वो देखने जा रहा हूँ। और अब व्यू देखो भाई, कितना ब्यूटीफुल व्यू है, वाओ। तो अभी यहाँ पे जाने की तैयारी थी जो बड़ी गाय है उसको देखने के लिए, लेकिन ये क्लोज हो गया है। 9 बजे से लेके 4 बजे तक ये ओपन रहता है। अभी मैंने पीछे बोर्ड में देखा था, लेकिन मुझे पता नहीं था वो इस साइड का है। बट एनीवे, आधा से ज़्यादा तो घूम चुका हूँ मैं, तो अभी चलता हूँ। लेकिन यार एकदम मन खुश हो गया, फ्रेश सा एकदम फील हो रहा है, और बहुत डिफरेंट तरह के मैंने एनिमल्स देखे हैं, जो अच्छा लगा मुझे काफ़ी। ज़ू का ये पीछे वाला हिस्सा है, इनफैक्ट अब तो मैं घर जा रहा हूँ, बट आपको ये दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हो डियर्स यहाँ पे। ये देखो, बहुत बहुत ज़्यादा है, तीन तीन छह डियर्स हैं। सही है यार। ये देख सकते हो आप, ज़ू विज़िट करके अब नीचे आ गया हूँ मैं। ट्रेन स्टेशन ऑलमोस्ट अब आने वाला है। तो इस ब्लॉग में इतना रखते हैं। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।